पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 2 दिनों तक भारत की जमीन पर रहने के बाद वापस अपने देश लौट गए हैं। बिलावल भुट्टो गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान की आदत है, वो यहाँ भी कश्मीर का राग छेड़ना नहीं भूले। बिलावल ने एक इंटरव्यू में आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात न होने के पीछे इसे वजह बताया। वहीं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बिलावल पर तंज कसते हुए उन्हें नींद से जागने की सलाह दे डाली। गोवा में SCO की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे बिलावल भुट्टो ने इंटरव्यू में एस जयशंकर से द्विपक्षीय मुलाकात न होने के सवाल पर कहा, जहां तक भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों या मेरे भारतीय समकक्ष के साथ किसी भी बातचीत की बात है, पाकिस्तान की स्थिति में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। जब तक भारत 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का कोई कार्रवाई की गई उस पर समीक्षा नहीं करता, तब तक पाकिस्तान भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़ने की स्थिति में नहीं है। बिलावल भुट्टो ने अनुच्छेद 370 रद्द करने की मांग उठाई तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को फटकार लगाते हुए नींद से जागने की सलाह दे डाली। SCO की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने अंग्रेजी मुहावरे वेक अप एंड स्मेल द कॉफी यानी नींद से जागो और कॉफी की खुशबू लो का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास है, जो लोग इसकी बात कर रहे हैं उन्हें नींद से जाग जाना चाहिए। इसके पहले बिलावल भुट्टो ने कश्मीर में G20 के आयोजन पर भी आपत्ति जताई थी। इस पर भी एस जयशंकर ने कहा था कि उनका G20 से कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर से भी कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी G20 की बैठकें हो रही हैं, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर से अवैध कब्जे को कब खाली कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भारत यात्रा के बारे में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि इसका बहुत कुछ मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भुट्टो एक सदस्य देश के विदेश मंत्री के रूप में यहाँ आए थे, इसे लेकर ज्यादा कुछ न देखें क्योंकि इसका इससे ज्यादा कोई मतलब है भी नहीं। बिलावल के आतंकवाद को हथियार बनाने के सवाल पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हम कूटनीति फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को दुनिया के सबके सामने बेनकाब कर रहे हैं। मन से उजाला हर चले।